नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज़। मैं आपके साथ प्रशांत बघेल। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर से बड़ी खबर, पुलिस की गोली लगने से घायल हुए बाइक सवार सत्येंद्र व बिन्नानी। गिरफ्तार बदमाश सत्येंद्र पर 11 व बिन्नानी पर 12 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। किसी वारदात को अंजाम देने निकले थे लुटेरे, मुठभेड़ के बाद अस्पताल में कराए गए भर्ती। उनके पास 2 तमंचे, 4 कारतूस हुए बरामद। बुलंदशहर की औरंगाबाद कोतवाली पुलिस की जनौरा तिराए पर हुई मुठभेड़। बुलंदशहर से सर्वेश उर्फ साक्षी चौधरी की रिपोर्ट। कल रात में औरंगाबाद पुलिस जहांगीराबाद रोड पर जनौरा तिराहे के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दौरान उसको 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वह भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो पुलिस टीम पर उनके द्वारा फायर किया गया। अपने सुरक्षार्थ बचाव के लिए जब पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। जब उनसे पूछताछ की गई पता चला कि 2023 में एक घटना हुई थी औरंगाबाद में लूट की, उसमें वो शामिल रहे थे। उनके पास से लूट का मोबाइल और लूटे गए कुछ पैसे जो थे बरामद हुए हैं। उनके पास से अवैध असलहा बरामद हुआ है तथा लूट में जो सामान गया था उसमें से कुछ पैन कार्ड या वादी के जो अन्य कागजात थे वो भी बरामद हुए हैं। इस प्रकार इनके ऊपर करीब 11 से 12 मुकदमे लूट और चोरी के पहले से भी रहे हैं। इस प्रकार से 2 साथी बदमाश औरंगाबाद पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। न्यायिक अपेक्षण भेजा जा रहा, अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई।